नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर एंड तरुण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैक्टर एंड तरुण के कई एपिसोड में कमेंट बॉक्स के जरिए कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मुख्यतः इस तरह के प्रश्न आए जैसे कि ट्रैक्टर चलाते समय ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण का उपयोग करते समय ट्रैक्टर का गियर कौन सा यूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ सही RPM क्या होता है जिससे कि आपके डीजल की भी खपत कम हो और आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब, मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। नमस्ते किसान भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल हम कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं और ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MB प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो या रोटरी टिलर, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं। लेकिन इन उपकरणों को सही रफ्तार पर चलाना, इसके लिए सही गियर और RPM का चुनाव करना उतना ही जरूरी है। अगर आप MB प्लाऊ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। अगर आप रोटरी टिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। उसी तरह अगर आप कल्टीवेटर या हैरो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आपको 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना चाहिए। इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए आप अलग अलग हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी ट्रैक्टरों की गियर की रचना अलग अलग होती है, यानी इनकी स्पीड रेंज भी अलग अलग होती है। इन सब उपकरणों को सही स्पीड से चलाने के लिए जरूरी है सही गियर और सही इंजन RPM का चुनाव करना। इसे एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, Y एक्सिस पर ट्रैक्टर के विभिन्न गियर दिए हुए हैं और X एक्सिस पर दी हुई है ट्रैक्टर की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए आप कोई उपकरण चला रहे हैं और उसे चलाने के लिए आपको 5 किलोमीटर की स्पीड चाहिए। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, 5 किलोमीटर की स्पीड आपको 3 अलग अलग गियर में मिल रही है, चौथा, पांचवा और छठवा गियर। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, चौथे गियर पर 5 किलोमीटर की स्पीड आपको 2000 RPM पर मिल रही है, यानी इस RPM पर इंजन ताकत भी ज़्यादा बना रहा है। अगर आप ऐसा कोई उपकरण चला रहे हैं जिसे चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है तो आप चौथे गियर पर 2000 RPM के साथ उसे चला सकते हो। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, पाँचवें गियर में आपको 5 किलोमीटर की रफ्तार 1700 RPM पर मिल रही है। ऐसा उपकरण जिसे चलाने के लिए आपको कम ताकत की ज़रूरत होती है उसके लिए आप इस गियर का चुनाव करें, जिससे डीजल की बचत भी होगी और साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। छठवें गियर में आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर की स्पीड आपको इंजन के 1400 RPM के आसपास मिल रही है, तो ऐसा उपकरण जिसे चलाने के लिए इंजन की कम ताकत लगती है और आपको डीजल की बचत भी करनी है, उसके लिए आप छठवें गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डीजल की बचत करनी है तो आप गियर अप और थ्रोटल डाउन का तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप गियर डाउन और थ्रोटल अप का तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस एपिसोड में आपको आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर हम एपिसोड के जरिए आपको देते रहें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।